नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में एक अच्छा प्रेशर देखने को मिला। जैसे कि कल मैंने एक्चुअली बोला था कि 44,210 के ऊपर ही बाय करना है, तो वहाँ पे 220 का लेवल दिया था, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जैक्टली वहाँ पे ही टॉप हुआ और उसके ऊपर गया ही नहीं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर ही बाय करना है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ तक आप सेल भी कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 50, एक पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के, क्योंकि उसके ऊपर तो बाय होने वाला है, तब तक सेल का मौका आप ढूंढ सकते हो। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मॉर्निंग में वहाँ से ज़ोर से एक मूवमेंट आ गई नीचे की तरफ, एक अच्छा खासा सेल ऑफ आने के बाद वापिस एक कंसोलिडेशन मूवमेंट आई और वहाँ पर ऊपर जाने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे वापस 44,170 के यहाँ पे जाके वापस नीचे की तरफ आ गई। और बाद में मैंने 950 के नीचे सेल कर देना लिखा था, तो 950 के नीचे एक सेल ऑफ आ गया जो हमको 43,720 तक की मूवमेंट जोर से मिल गई। अभी यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि हॉरिजॉन्टल लेवल जो है, ये मैंने एक कुछ लेवल्स निकाले हुए हैं, ये कैसे निकाले ये मैं बाद में आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन अभी इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो है ये भी गैन की लेवल है और ये गैन के हिसाब से ही मैंने डाले हुए हैं। तो यहाँ पे हमको एक क्लियर कट दिखता है कि 44,205 जो है ये क्लियर कट क्रॉस करने में कामयाब नहीं रहा। तो अभी एग्जैक्टली जब तक 44,205 या 250 आप पकड़ लीजिए 50 पॉइंट जब तक क्रॉस नहीं होता है, तब तक हमको बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड की मूवमेंट आने वाली नहीं है, ये बात तो क्लियर कट हो गई। अभी सेकेंड चीज़ ये है कि यहाँ से नीचे की तरफ क्या होगा, तो नीचे की तरफ ये है कि मेरे हिसाब से 43,925 के नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा वीकनेस दिखाया है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी 43,370 तक आ सकती है और अगर 43,370 टूटती है तो बैंक निफ्टी में एक सेल ऑफ आ जाएगा। तो हमको ये देखना है कि 43,370 बैंक निफ्टी आती है कि ऊपर की तरफ जाके वापस, मतलब 970-940 के आसपास जाके, 927 के आसपास या 940 के आसपास जाके बैंक निफ्टी वहाँ से वापस सेल ऑफ आता है, तो हमको नीचे के दो लेवल के लिए रेडी रहना है, 43,649 और 43,371। ये दो लेवल हमको बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर हम लोग जैसे कि ये ट्रेंड कंफर्म हो गया है, ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो अभी हमको एक ही काम करना है कि हाई का अपवर्ड एंगल डालना है। तो हाई का अपवर्ड एंगल डालने के बाद आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो जब तक ये अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता तब तक तो बाय होने वाला नहीं है। तो जो भी है 44,300 के ऊपर जब तक जाता नहीं है ये बाय होने वाला है नहीं। अभी समझो हम छोटी छोटे लेवल पे देखते हैं, तो यहाँ पे अभी ये एक छोटा सा ठहराव दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ से अपवर्ड एंगल यहाँ पे डालते हैं तो 44,034, तो 44,070 के ऊपर जब तक जाता नहीं तब तक तो बाय करना नहीं है, तब तक हमको एक सेल का मौका ढूंढना है, ये बात पक्का। तो अभी जब भी लो के नीचे लो आएगा तो टॉप के ऊपर हमको सिर्फ अपवर्ड एंगल डालना है, बाकी कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही डाउनवर्ड एंगल, आपने देखा कि कल का लो का डाउनवर्ड एंगल डाला, वहाँ पे एग्जैक्टली जाके रुका और बंद हुआ। अभी यहाँ से कितना ऊपर आता है, तो मेरे ख्याल से 43,927, 940, 950 तक आएगा, वहाँ पे आपको सेल करने का मौका मिलेगा। इसके बाद मैं निफ्टी में बता देता हूँ, निफ्टी में भी एक्चुअली एक सेल ऑफ आया हुआ है, लेकिन पूरी तरह सेल ऑफ नहीं आया हुआ है। निफ्टी में जैसे ही 18,429 के नीचे जाएगी निफ्टी वीकनेस दिखाएगी और फिर 318,300 तक का डोर ओपन हो जाएगा, लेकिन इन दैट केस 18,429 बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी ऊपर की तरफ जो है 18,545 जो है 560 की एक लेवल आप पकड़ के चलिए। अभी जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारा है, अपवर्ड एंगल आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे 18,590 दिख रहा है।
590 के ऊपर जब तक जाता नहीं तब तक तो हमको बाय का सिग्नल मिलने वाला है नहीं। तो जब तक ये मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, 590 ही कर लेता हूँ, वो बेटर रहेगा, ये इम्पोर्टेंट लेवल्स है। तो इसके ऊपर जब तक जाता नहीं तब तक तो बाय का सिग्नल मिलने वाला है नहीं। और नीचे की साइड में जो है 18,428 जब तक टूटा नहीं तब तक हमको सेल मिलने वाला नहीं। तो जैसे कि ऊपर से अगर जोर से सेल ऑफ आया तो 18,429 में सेल बाय के लिए मत देखिए, बल्कि अगर इसको मैंने यूज़ दिस फॉर बाय स्टॉप लॉस इसके लिए लिखा था कि अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ऊपर जाके टकरा के नीचे आएगा तो यहाँ पे सेल करना प्रेफरेबल रहेगा, इसको टूटने के बाद यहाँ पे बाय करना मुश्किल रहेगा। तो इसके नीचे जाने के बाद कोई भी हाल में हमको बाय के लिए खड़ा नहीं रहना है, ये एक क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि 18,428 का एक लेवल है जहाँ पे टूटने के बाद ही हमको सेल करना है, उसके पहले सेल नहीं करना है। तो अभी कल के लिए भी यही बात है कि 18,429 के नीचे 28 के नीचे जाएगा तो ही सेल करना, और वहाँ से हमको दो गेट ओपन होते हैं 18,312 और 18,195। तो 18,195 जो ये लास्ट है इसके नीचे सेल ऑफ आ जाएगा, लेकिन तब तक हमको निफ्टी में अगर 18,428 नहीं टूटता है तो हमको थोड़ा सा ये लेवल पे बाय का मौका ढूंढना चाहिए। हाँ, अभी डेली चार्ट के हिसाब से मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी में क्या हुआ है कि अगर लो से हम लोग ये गैन फैन डाला हुआ है तो ये जो 1/4 का जो एंगल है ये 1/4 क्रॉस होने के बाद एक्चुअली बाइंग का मोमेंटम आता है, लेकिन 1/4 यहाँ पे क्रॉस हुआ नहीं, वो सिंगल कैंडल करके नेक्स्ट कैंडल नीचे अंदर आ गई और यहाँ से जो हमने अपवर्ड एंगल डाला है, मतलब हाई से अगर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वहाँ से वापस गोली जैसी छूटी तो वापस रिटर्न नहीं आनी चाहिए। तो उस हिसाब से देखेंगे कि ये कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ निकली निफ्टी लेकिन नीचे वापस आ गई, तो ये जो साइन है ये साइन हमको डरावना साइन लग रहा है। और उस हिसाब से 18,300 तक का हमको मूवमेंट दिख रहा है निफ्टी में कि आ सकता है। बैंक निफ्टी में सेम चीज़ दिख रही है कि हमने गैन फैन डाला हुआ है और गैन फैन को ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहे और वापस वो गैन फैन में 4/1 के अंदर आ रहा है। तो सेम अगर ये हाई के ऊपर हम लोग ने अपवर्ड एंगल डाल के अगर देख रहे हैं तो उसके ऊपर मूवमेंट तो निकली, मतलब सेम है कि गोली निकली लेकिन रिटर्न आनी नहीं चाहिए तो रिटर्न आ गई। तो ये डरावना मामला है हमको, अगर ये फेल्योर हुआ तो बैंक निफ्टी हमको एक अच्छी मूवमेंट, मतलब 43,000 तक की मूवमेंट हमको नीचे की तरफ दिख सकती है बैंक निफ्टी में। तो एक सेल ऑफ के लिए हम लोग रेडी रह सकते हैं, ऊपर में अगर हमको सेल का मौका मिलता है तो परफेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करके सेल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।